हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मैंने कोई लड़की यानी कि किसी की बहन, किसी की बेटी, उनको बचाने के लिए आज का वीडियो बनाया है। क्योंकि ब्रेकअप के बाद लोगों की लाइफ हम क्यों ख़राब करें, लोगों की लाइफ हम ख़राब ना करें, इसके लिए मैंने आज का वीडियो बनाया है। ब्रेकअप के बाद क्या करना चाहिए और क्या ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। ब्रेकअप के बाद की जो थिंकिंग है वो बदल जाए और किसी ना किसी की ज़िंदगी बच जाए, इसके लिए आज के वीडियो में हम पूरी बात समझ लेंगे। दोस्तों, पहली बार जब प्यार हुआ था या तो फिर पहली बार जब ब्रेकअप हुआ था, दोनों टाइम में बहुत ही डिस्टेंस हो जाता है। ब्रेकअप के पहले जब प्यार था, तब एक दूसरे की केयर करना, उसकी हर गलती को हंसी में लेना, थोड़ी सी भी तकलीफ होती हो तो दिल आपका घबरा जाता था। जब उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई हो ना हुई हो, चिंता होती थी। तो कहीं ना कहीं ब्रेकअप से पहले बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था, ट्रू लव था, बहुत ही ज़्यादा शेयरिंग और केयरिंग वाला माहौल था। लेकिन ब्रेकअप के बाद ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, उसकी लाइफ हम ख़राब करने पे तूल आते हैं, हम उस सोच में चले आते हैं कि उसकी लाइफ हम ख़राब कर दें। क्यों? क्योंकि उसने हमें ना बोला या तो फिर हमसे ब्रेकअप क्यों किया। ब्रेकअप के बाद ऐसी कौन सी वो चीज़ें लड़के या लड़कियाँ करते हैं जिसके बदौलत मुझे इस वीडियो को बनाने पे नौबत आ गई है। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद ज़्यादातर लड़के उतने गुस्से में आ जाते हैं, उतने इरिटेट हो जाते हैं ब्रेकअप होने की वजह से, कि कुछ लोगों के MMS पीक या तो फिर ऐसे ख़राब मेल करते हैं जिसके बदौलत लड़कियाँ या लड़के तकलीफ़ में आ सकते हैं। कई कई किस्सों में तो एसिड अटैक्स करना ये भी देखा गया है। और दोस्तों, ये इतनी बुरी चीज़ है लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। इसको समझाने के लिए ही मैंने आज का वीडियो बनाया है। आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ये सब चीज़ें प्यार करने वाले कभी भी नहीं करते। एक दरिंदा इंसान जिनको सिर्फ और सिर्फ बस दूसरों को परेशान करना है, वही कर सकता है। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो आपको समझना है और आपको ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, पहले तो समझ लीजिए सच्ची मोहब्बत, ट्रू लव किसे कहा जाता है। दोस्तों, आपका प्यार आपके साथ हो या ना हो, लेकिन अगर वो खुश है कहीं पर भी हो तो आप खुश रहते हो, वो ट्रू लव है। कि आपको सिर्फ पार्टनर की खुशी चाहिए, वो कहीं पर भी हो वो खुश रहना चाहिए, यही आपकी एक कंडीशन होती है। लेकिन आप एक प्रकार से उस पर हक जताने लगते हो, आप चाहते हो कि मेरा लव, मेरा जो प्यार है वो मेरे साथ ही रहे, मैं जैसा करूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा ही करे। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो किसी के घर की बेटी या बेटा है। अगर आपकी बहन या भाई होते तो क्या आप ऐसी नौबत पे आ जाते? ऐसा करने पे आपको कौन सा फ़ायदा मिलने वाला है? सिर्फ और सिर्फ आपको मन की तसल्ली मिलने वाली है। दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में बिठा दीजिए, अगर आपका प्यार आपका होता है या तो फिर आपके पास रहता है तो ठीक बात है, लेकिन अगर वो ना बोल देता है, ब्रेकअप कर लेता है, तो दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में कहीं और आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें बुला कर आप उन पर मोहब्बत रख सकते हैं। ट्रू लव हो तो खुश रह सकते हैं, लेकिन आपको अपनी और ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए और किसी और के साथ संबंध बना के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, किसी को आपके साथ रहना है नहीं रहना है वो उनकी चॉइस है। हाँ, कभी कभी होता है कि आपकी गलती नहीं होती, फिर भी उन्होंने ब्रेकअप किया, उनकी गलती होती है, तो दोस्तों ऐसा समझ लीजिए कि भगवान उन्हें सबक दे देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, लास्ट में मैं 2-3 लाइन्स आपको बताने वाला हूँ जो आपको अपने दिमाग में बिठा देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपका प्यार कहीं पर भी रहता है और उससे आप खुश रह लेते हो तो वो आपका सच्चा प्यार है, वो ट्रू लव है। लेकिन आपको अपने प्यार पर हक जताना है तो वो सच्चा प्यार नहीं है। दोस्तों, इस पूरे ब्रेकअप के बाद के मोटिवेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि ब्रेकअप के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GABF रांझा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर, लिव बेटर।